आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं पैन कार्ड के लिए। जब हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं उसमें एओ कोड, रेंज कोड, एरिया कोड सभी हमको ज़रूरत होती है। तो न्यू न्यू जब हम उसका पैन कार्ड का काम चालू करते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने एरिया का, अपने सिटी का, तो तहसील का आप एरिया कोड सर्च कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी इसके रिलेटेड पूछना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही न्यू नॉलेज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमारे चैनल माई नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपकी और हमारे यूट्यूब चैनल माई नॉलेज शेयर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। चले कुछ नए नॉलेज के साथ कुछ नया सीखते हैं आज। तो दोस्तों गूगल पे आपको सर्च करना है एनएसडीएल कोड लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने एओ कोड का लिस्ट आ जाएगा, रेंज कोड का आ जाएगा। दोस्तों मैं एनएसडीएल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एनएसडीएल की वेबसाइट है उस पर ये आपको एओ कोड, रेंज कोड, एरिया कोड सभी मिल जाते हैं। दूसरी कोई वेबसाइट पे परफेक्ट नहीं मिलता, इसके लिए मैं इस जो वेबसाइट है उसका यूज़ करता हूँ। यहाँ आपको जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आप देख लीजिए, tin.tin.nsdl.com पेंस, ये जो सर्विस है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। NSDL टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क टीन सर्च, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू टैब के अंदर एओ कोड सर्च फॉर पेन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको सभी कंडीशन लिखी हुई है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ देख लीजिए, जो भी आप यहाँ से सिटी सिलेक्ट करेंगे वो सिटी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम अहमदाबाद से है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ए पे, अहमदाबाद ए पे आता है। तो आप देख लीजिए ये सभी ए पे सिटी है, तो यहाँ पे अहमदाबाद है तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने अहमदाबाद पे क्लिक किया तो दोस्तों अहमदाबाद में जितने भी तहसील या तो जितने भी गाँव हो गए सभी के इसमें एओ कोड, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड सभी आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया कोड सभी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप जिस भी सिटी से है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ देखिए माधुपुरा है तो माधुपुरा यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, ये आ जाएगा GUJW1022। ऐसे ही अगर माने के कोई दिल्ली से है तो डी पे आपको क्लिक करना है। जैसे डी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिल्ली का सभी आ जाएगा। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एक दिल्ली का मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो दिल्ली के अंदर जो भी तहसील होगा, जो भी सिटी होगा सभी यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इसमें यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ चेक कर लेना है कि अपना जो एरिया है या तो अपना जो तहसील है, अपना जो भी गांव है वो किस एरिया या तो किस तहसील में आता है, और यहाँ आपको नाम दिखाई देगा, उसके सामने से आपको कोड ले लेना। अगर आप प्रॉपर दिल्ली से है तो फर्स्ट वाला कोड आपको मैच हो जाएगा, उसी से आपको काम करना है, प्रॉपर है तभी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि पैन कार्ड के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एओ कोड, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आसान तरीके से आप ये सीख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और एक ही बार चेक करने के बाद आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सभी वीडियो पैन कार्ड के रिलेटेड भी है, तो एक एक करके आप देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल माई नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाजू में दिखाई दे रहे बेल आइकन को दबा के उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही न्यू नॉलेज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।